अभी मैं हूँ। हाँ फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं यहाँ पहाड़ों में मिलने वाला फलों को दिखाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ ऑरेंज बागान की ओर जा रहा हूँ। बहुत दिन से ऑरेंज बागान नहीं जा रहा था मैं, तो आज बागान जा रहा हूँ ऑरेंज बागान, यहाँ पहाड़ों में मिलने वाला फलों को और यहाँ का ऑरेंज बागान दिखाऊंगा। तो अभी देखना चाहते हैं यहाँ का बागान और यहाँ का विलेजों को, तो इस वीडियो में बने रहेगा। तो नीचे देख सकते हैं यहाँ का विलेज, यहाँ पर कई ऑर्गेनिक खेती होता है, जैसे ऑरेंज, एवोकाडा, अमरूद, इलायची और भी कई ऑर्गेनिक खेती होता है। और नीचे टी गार्डन भी है दार्जिलिंग टी। तो अब यहाँ पर टी गार्डन का प्लॉकिंग चल रहा है रेनी सीजन के टाइम पर। अभी मैं टी गार्डन के रास्ते होकर जा रहा हूँ बागान में। तो देख सकते हो यहाँ पर टी गार्डन, दार्जिलिंग टी का हरे भरे टी गार्डन। अभी प्लॉकिंग चल रहा है यहाँ पर टी गार्डन में टी का। ऑरेंज बागान में पहुंच गए। तो अभी देख सकते हैं यहाँ ऑरेंज बागान, अभी छोटे छोटे दाना आना शुरू हो चुका है रेनी सीजन के टाइम पर। अक्टूबर नवंबर ये खाने का लायक हो जाएगा। जब ये ऑरेंज खाने का लायक होता है अक्टूबर नवंबर में, तो बागान भी देखने का लायक होता है ये ऑरेंज बागान। तो देख सकते हैं अभी यहाँ रेनी सीजन के टाइम पर छोटे छोटे दाना आना शुरू हो चुका है ऑरेंज का, ऑरेंज बागानों में देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर पंडला वगैरह भी हो रहा है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर बागानों में नींबू वगैरह भी हो रहा है, लेमन वगैरह। तो अभी यहाँ पर बागानों में लेमन नींबू भी हो रहा है, देख सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।